हमारी टीम में शामिल थे वो हैं पूनी सह थानाध्यक्ष संजय कुमार, पूनी संजय कुमार यादव, पुअनी कुंज बिहारी कुमार, पुअनी कविता माटे, पुअनी नंदन कुमार, जमुई की जिला सूचना इकाई। जमुई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है दर्शकों, जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं लगातार शराब माफिया पर जमुई पुलिस की कहर टूट पड़ रही है। जी हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। एसडीपीओ राजेश कुमार ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राज्यीय गिरोह का बहुत बड़ा सरगना को आज गिरफ्तार किया गया। दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, चास बोकारो से जमुई पुलिस जाकर गिरफ्तार किए। जिस प्रकार लगातार शराब माफिया पर प्रशासन का कहर टूट रहा है, फिर भी शराब माफिया बाज नहीं आ रहे। आपको बताते चले, बालू माफिया पर राजेश सर ने एक ही नंबर के तीन तीन गाड़ी को जब्त किया था, लेकिन आज झाझा के एसएचओ एफडीपीओ राजेश कुमार ने भी दो दो गाड़ी, दो दो पिकअप वान को सेम नंबर दोनों गाड़ी को जब्त किया। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, एफडीपीओ राजेश कुमार ने बताया, जो शराब का तस्कर हैं वो पानी का सप्लाई करते हैं, आर ओ वाटर का प्लांट है, उसी के आड़ में ये शराब की तस्करी का खेल जारी था, जिसे पुलिस ने एक तरह से ध्वस्त करने का प्रयास किया। देखिएगा राजेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। सफलता मिली है, देखिए शराब माफिया के विरुद्ध झाझा थाना की बड़ी कार्रवाई हुई है। अंतर्राज्यीय शराब माफिया के गिरोह के दो लोग की गिरफ्तारी हुई है। दिनांक 6/8/24 को, आप लोगों को भी इसका ज्ञात है कि ग्राम दादपुर के एक उजले रंग का पिकअप एवं लाल रंग के कार से करीब 750 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई थी। यहाँ घटनास्थल से दो अभियुक्त को रंगे हाथ मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसमें पता चला था कि ये एक संगठित गिरोह है जिसका संचालन झारखंड के बोकारो जिला के चास थाना क्षेत्र से हो रहा है। मुख्य सरगना सौरभ सिंह, जिसका चास में पानी का फैक्ट्री है, जिसका आड़ में झारखंड से शराब इस गिरोह द्वारा देवघर के रस्ते जमुई में आता है। इस संबंध में झाझा में कांड भी दर्ज किया गया। अनुसंधान के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि सिमुलतला थाना में भी इसके अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया था, एवं एक जो पिकअप था जिसका रजिस्टर्ड नंबर था, जिसमें जबकि जो झाझा थाना में भी था वहाँ पर भी जो पिकअप पकड़ाया था, दोनों का रजिस्टर्ड नंबर सेम था। सिमुलतला में रंगे हाथ गिरफ्तार अभियुक्त संतोष कुमार दुबे और लक्ष्मण कुमार यादव भी चास बोकारो के ही रहने वाले थे, जो जमानत के बाद पुनः शराब के धंधे में ही लिप्त पाए गए हैं, और उनकी खेप दादपुर झाझा में भी पकड़ी गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। मिथुन कुमार पिता मानो शाह चास एवं पिकअप के मालिक देवाशीष कुंडू पिता अजीत कुंडू प्रभात कॉलोनी चास की गिरफ्तारी हुई है, एवं इस शराब के धंधे में अन्य जुड़े लोगों से भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, और अन्य जो लोग हैं उनकी भी अगर संलिप्तता है तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और कुछ बरामद हुआ? नहीं, इसमें बरामद नहीं हुआ है। इसमें जो इनकी संलिप्तता थी, जो इनका जो गिरोह है, उस गिरोह में दो लोग की गिरफ्तारी हुई है। अन्य लोग हैं उनका भी नाम आ रहा है, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। कितने लोग हैं गिरोह में? देखिए कोई भी गिरोह जो होगा उसमें 8 से 10 लोग लगभग होंगे ही, लेकिन जिसमें सरगना है, देखिए जो मैंने बताया है सौरभ सिंह, इसमें प्रेस विज्ञप्ति में भी मैंने मेंशन किया है। और टीम देखिए, ये जो अभी तक हमारे उसमें अनुसंधान में आया है तो उसमें ये आया है कि देवघर के थ्रू ये अभी फिलहाल जमुई में करते थे, अब जमुई से आगे नवादा या शेखपुरा भी जाते हैं, उसमें भी जांच हो रहा है। कुछ नहीं, कुछ कुछ बातें आई हैं, देखिए वो तो अनुसंधान की बातें हैं। ये तो लग रहा कि अंतर्जातीय है, हाँ ये अंतर्राज्यीय, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, राज्य माना जा सकता, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी उपलब्धि उसको, बिल्कुल बड़ी उपलब्धि है। काफ़ी दिनों से हम इसमें प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो मेहनत का ही नतीजा है कि हमें इसमें सफलता मिला। हाँ बिल्कुल, हमारी टीम में शामिल थे वो हैं पूनी सह थानाध्यक्ष संजय कुमार, पूनी संजय कुमार यादव, पुअनी कुंज बिहारी कुमार, पुअनी कविता माटे, पुअनी नंदन कुमार, जमुई के जिला सूचना इकाई एवं थाना के सशस्त्र बल। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? ये मैंने बताया आपको कि ये चास थाना से हुई है।